आगामी त्योहार को लेकर सिटी स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सिटी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। ये चेकिंग अभियान एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी के नेतृत्व में चलाया गया। चेकिंग अभियान में डॉग स्क्वाड के साथ सदर कोतवाली पुलिस आरपीएफ जीआरपी की टीम भी मौजूद रही, जहां पर स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध वस्तुओं को खंगाला गया। साथ ही स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि आगामी त्योहार जैसे दीपावली छठ आदि पर्व के मद्देनजर आज सिटी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सदर कोतवाली की टीम के साथ आरपीएफ जीआरपी टीम के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। फिलहाल चेकिंग अभियान में कोई आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिली है, लेकिन आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति और सुरक्षा को लेकर इस तरह के चेकिंग अभियान लगातार चलता रहेगा। सर, आज आपके द्वारा जो है रेलवे स्टेशन की चेकिंग गई है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य तो सबसे पहले कि दो दिन बाद धनतेरस का त्यौहार है और इस समय ट्रेनों में काफी भीड़ भाड़ आ रही है, लोग यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई अराजक तक किसी प्रकार की कोई अवैधानिक कार्रवाई न कर सके, उसको रोकने के लिए जीआरपी आरपीएफ और जिला पुलिस के की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया गया। इसमें पर डाक भी बुलाए गए थे, जिससे संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग भी कराई गई, संदिग्ध व्यक्तियों की भी चेकिंग कराई गई, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। फिर भी इसके बावजूद भी जीआरपी आरपीएफ और जिला प्रशासन की जो पुलिस है उसको निर्देश दिया गया कि इस तरह की चेकिंग आए दिन लगातार होती रहे, जब तक कि छठ का पूजा न हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अवैधानिक अराजक तत्वों द्वारा कोई घटना न की जा सके। सर, रेलवे स्टेशन के अलावा देखा जाए बाजारों में भी त्योहारों के मद्देनजर भीड़ बढ़ गई। हाँ, इस समय बाजार पर भीड़ बढ़ रही है, तो उसके मद्देनजर टीएसआई साहब को और शहर कोतवाल और पूरे जिले में अलग से निर्देश दिया गया है कि जहां पर भीड़ भाड़ है वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को न केवल नियंत्रित किया जाए, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए जगह जगह सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ चूंकि आतिशबाजी को लेकर ज़्यादा त्यौहार वो रहता है दीपावली, तो ऐसे में शहर में आईटीआई ग्राउंड में बनाया गया है, जहां पर पटाखे लोग एक ही जगह से ले सकते हैं। इसके अलावा सैदपुर में रामलीला मैदान और विभिन्न जगहों पर अलग अलग स्थानों पर प्रयास किया जा रहा है कि शहर से दूर हो और जो पटाखे रखने के मानक हैं कि उनके पास बालू होना चाहिए, पानी होना चाहिए और फायर से सुरक्षा जो सेफ्टी है उसका मानक पूरा करें।